महाभारत की युद्धभूमि कुरुक्षेत्र की एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ कल्पना चावला तारामंडल, यानी कि कल्पना चावला प्लेनेटोरियम। सबसे पहले मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ दोस्तों, तो सिर्फ मंडे को कल्पना चावला तारामंडल बंद रहता है, बाकी हफ्ते में 6 दिन ये खुलता है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे से आपको ये खुला मिलेगा, जिसमें 5 शो भी चलते हैं, सुबह 11 बजे से, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3:30 बजे। बहुत ही खूबसूरत ये जगह बनी हुई है, साथ में यहाँ पर आपको ज्ञान का काफी कुछ भंडार देखने के लिए मिलने वाला है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका कोई भी एक शो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। वैसे मैं जब यहाँ पर आया तो कुछ समय के लिए ये शो बंद किया गया था कुछ तकनीकी खराबी के कारण। अगर मैं यहाँ की एंट्री फीस की बात करूँ दोस्तों, तो 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर टिकट लगता है। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 15 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपका टिकट लगेगा। मैंने गेट पर खड़े भैया से यहाँ पर कैमरा अलाउ करने के लिए पूछा, पर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मुझे यूट्यूब पर कुछ और क्रिएटर्स की वीडियो मिल गई, जैसे कि राहुल अंजलि ब्लॉग्स ने यहाँ पर कल्पना चावला प्लेनेटोरियम के अंदर की वीडियोज वगैरह डाली हुई थी, तो उनकी कुछ फुटेज मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, साथ में आपको बताता भी चलता हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए यहाँ से रिलेटेड। सबसे पहले ये राशि प्रश्नोत्तरी है, यहाँ पर आपको राशि से रिलेटेड काफी कुछ आंसर जानने के लिए मिलने वाले हैं। कुछ यहाँ पर बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं कल्पना चावला जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी याद में, और LCD पर भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह चलती रहती हैं। यह सामने जो केबिन आप देख रहे हैं, यह है खगोल प्रश्नोत्तरी केबिन, जिसमें खगोल विज्ञान से रिलेटेड कुछ वगैरह पूछा जाता है, जिनमें आप अलग अलग ग्रुप में आंसर दे सकते हैं। यह विश्व समय कॉर्नर है, यानी कि वर्ल्ड टाइम कॉर्नर, जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई है, साथ में कुछ घड़ियां वगैरह लगी हुई हैं जिसमें अलग अलग कंट्रीज का टाइम दिखाया जाता है। साथ में जो कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई है, इसको आप अपने हिसाब से माउस की तरह व्हील इसका घुमा सकते हैं और आप जिस कंट्री का टाइम देखना चाहते हैं उस कंट्री का आपको यह टाइम बता देगा। काफ़ी कुछ और हैरतअंगेज जानकारियाँ आपको यहाँ के दीवारों पर लिखी हुई मिल जाएगी, बैनर्स वगैरह आपको लगे हुए मिल जाएंगे और अलग अलग तरीके के अलग अलग खेल से रिलेटेड, विज्ञान के खेल से रिलेटेड कॉर्नर यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसको जब आप यहाँ पर देखने के लिए आएंगे तभी आपको इसकी अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। ये तारामंडल राउंड शेप में बना हुआ है, जिसके अगल बगल में तो ये कॉर्नर बने हुए हैं खेल वगैरह के, और बीच में यहाँ पर शो चलता है, लेकिन शो तकनीकी खराबी के कारण बंद था। लेकिन जब भी आप यहाँ पर आएं तो कोशिश करिएगा दोस्तों, अगर शो चल रहा हो तो आप यहाँ पर शो का मजा जरूर लें। इस तारामंडल के परिसर में दोस्तों इस यहाँ पर जो ग्राउंड बना हुआ है पीछे की तरफ, उसमें आपको विज्ञान से रिलेटेड काफी कुछ जानकारियाँ और चीजें देखने के लिए और मिलने वाली हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, पहले धूप की वजह से लोगों को टाइम पता चलता था, ये सूरज कहाँ पर है, उसकी वजह से क्या छाया पड़ रही है, उस वजह से टाइम पता चलता था, तो यहाँ पर उसी घड़ी को दर्शाया गया है। ये यहाँ पर एक कुर्सी लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये कुर्सी लगी हुई है, इस पर बैठकर अगर आपको कोई घुमाए, उसके बाद यहाँ पर जो अगल बगल में हैंडल लगे हुए हैं पकड़ने के लिए, इसको आप अपनी तरफ खींचेंगे, आप पाएंगे आप जिस पर घूम रहे हैं वो और तेजी से घूमने लगेगा। बैठ गया अभी नहीं, पहले हम घुमाएं, पास लेके आना जब घूमने लगो। तू मत कर, पास लेके आओ, आओ खींचो खींचो जोर लगा के। मेरे पास है, मेरे पास खींचो और तेज हो जाएगा, उन्हें हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जंतर मंतर का मॉडल भी बनाया गया है, जैसा कि आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलता है। इस खेल में दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा किस तरीके से चांद धरती की परिक्रमा लगाता है, जिस वजह से आपको चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई दे। और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से घूमने के बाद और अच्छे से एंजॉय करने के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर, और यहाँ से पास में ही भीष्मकुंड बना हुआ है, तो अगली वीडियो में मैं आपको वहाँ के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली है उसमें मैं आपको भीष्मकुंड घुमाने वाला हूँ और वहाँ की सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि अगली बार जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए दोस्तों बाय बाय।